वो अलग बात है कि उसके पास वक्त ना हो और मैं तो वैसे ही सब दर्जा को दे बैठा मैं चाहता हूँ दोनों कंपनी को चलाओ और उसको नई पर लेकर चले जाओ माफी चाहता हूँ किसी और कंपनी के साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ जिंदगी हमारे से जितना भी बुरा करे है ना सामान रख रहे और ठीक ठाक पैकिंग करनी है आपको सही है जी ठीक है एक काम और कीजिएगा मेरी जरूरी चीजें मत भूलिएगा आप अक्सर भूल जाते हैं नहीं। और मेरी अना बात की इजाजत नहीं देती हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखते हैं मैं तो कभी नहीं कि मैं इस रिश्ते के लिए ठीक हूं हाँ असलम दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आइना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आइना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की इस तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आइना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ ना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आयना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आयना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की इस तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने खाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आइना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आईना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरीस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आयना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की इस तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने खाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया कुम दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आइना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया कुम दोस्तों ड्रामा सीरियस कूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की इसी तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना ना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया Alaykum, दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आयना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की या इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की इसी तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आयना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आइना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की इसी तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आइना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आइना का बाप आयना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आयना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की इस तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया असलम दोस्तों ड्रामा सीरियस कूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आयना की ऐना इस बात की इजाजत नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की तरफ दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आइना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आईना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया असलम दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की इसी तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना ना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आइना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए भीख मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आयना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आइना की अना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए भीख मांगे और दोस्तों आईना तो चाहती है लेकिन उसकी इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को ख़त्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे की आयमा अपने खाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा कि इन जिंदगी हमारे साथ जितना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आईना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आइना का बाप आयना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आयना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आइना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आयना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की तरफ दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने खाफ पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आईमा आईना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आईना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की दूसरी तरफ दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना ना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आइना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की इसी तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना ना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया Alaykum, दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आइना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आइना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए भीख मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की इसी तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ जितना ना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कौन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आईना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आइना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आइना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए भीख मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की इस तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ ना बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरीस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आयना की आना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी भीख मांगे मोहब्बत की इस तरह दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आयना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया दोस्तों ड्रामा सीरियस कून जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जिसकी आने वाली लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयना हमदान को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी और दोस्तों आयना का बाप आईना से कहेगा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्योंकि वो अपने बेटी को परेशान नहीं दे सकता वो कहेगा कि अगर तुम हमदान के साथ रहना चाहती हो तो मैं हमदान से बात करके देख लेता हूँ और दोस्तों आईना की ऐना इस बात की इजाज़त नहीं देती कि उसका बाप हमदान से उसके लिए बीक मांगे और दोस्तों आयना तो चाहती है लेकिन उसकी ये इजाजत नहीं देती कि वो हमदान से उसकी बीक मांगे मोहब्बत की तरफ दोस्तों हमदान को वो खत भी मिल जाएगा जो आयना जाते हुए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि आयना भी नहीं चाहती इस रिश्ते को खत्म करना दोस्तों रजा के माँ बाप को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने हमदान के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादा की है और दोस्तों वो हमदान से माफी मांग लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आयमा अपने ख्वाब पूरे करते हुए डॉक्टर बन जाएगी और दोस्तों इसी खुशी में घर में पार्टी भी रखी जाएगी दोस्तों उस पार्टी में आयना भी आई होगी और वो साइड पर उदास खड़ी होगी दोस्तों हमदान आकर आईना से कहेगा की जिंदगी हमारे साथ बुरा भी कर ले हमें जिंदगी में कुछ अच्छे पल और इस बुरे वक्त से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों इस पार्टी में आयमा आयना और हमदान को एक साथ देख कर उसके माँ बाप भी आयना के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और दोस्तों ड्रामे की एंडिंग बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों ड्रामा मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया